वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाउ इतने मजेदार हम टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं रोज, और पहले हमने थोड़ा एक मेजर सोशल इशू डिस्कस किया डिवोर्स के हवाले से, उस पर हमने बात भी की, बट डिटेल आपको रेमेडीज भी पता लगी। आपका जो टॉपिक है वो कुछ इंटरेस्टिंग है, और अमूमन जब आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हो ना, इवन भाई अब्बा के साथ, तो जब कोई गाड़ी गलत पार्क हुई हो या कोई ट्रैफिक जैम हो, तो कोई गाड़ी रुकी हुई है, तो आगे से फौरन साथ वाली सीट से आवाज़ आती है, कोई खातून ही गाड़ी चला रही होंगी। मतलब इस तरह की बातें ना आपको सुनने को मिलती है, और आप ऐसे गुस्से से देख रहे होते हैं कि भाई क्यों खातून बुरी ड्राइवर्स क्यों समझी जाती है। इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जनाब कौन बेहतरीन ड्राइवर्स हैं, कौन मर्दों को कहते हैं, कुछ खवातीन को कहते हैं, और उसके अलावा रोड सेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा नॉर्मली खवातीन को है या नहीं है। ये तमाम इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है, कुछ हम इसमें फ़न एलिमेंट भी ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे पास जनाब मौजूद होंगी डॉक्टर मरीन इकबाल, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास फीमेल वार्डन्स भी होंगी, उनसे हम जानेंगे ना वो रोड पर रहती है ना, पता होगा। हमारे पास जनाब नाजिया बाकी मौजूद होंगी और फूल शहजादी, दोनों को वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप तीनों? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा डॉक्टर मरीन, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे, आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे लोग नाराज भी हो देंगे इससे कॉल करें। हम कहते हैं जी, मैंने जैसे भी इंट्रो में कहा कि जब कहीं ट्रैफिक जाम है, कुछ खवातीन होगी, कोई खातून गाड़ी चला रही होगी, ये वाला मामला क्यों है? अच्छा अरमिला, इसमें एक हमारी जनरल खैर साइकी भी ग्लोबल, जिसको हम बोलते हैं कि एक साइकी भी, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सो आई विल बी टॉकिंग ऑन द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि एक साइकी भी बन चुकी है कि जी फीमेल्स जो है वो सम हाउ दे आर नॉट द गुड ड्राइवर्स। सो आई थिंक बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन विद द टॉपिक, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि गुड ड्राइविंग है क्या। गुड ड्राइविंग इज अ सेफ ड्राइविंग और गुड ड्राइविंग इज अ रैश ड्राइविंग। सो गुड ड्राइविंग जब हम बात करते हैं तो इट्स अ सेफ ड्राइव बेसिकली, और अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है होपफुली आई एम नॉट बायस्ड इनफ, कि मेल्स जो हैं वो जरा रैश ड्राइव ज्यादा करते हैं, एंड सम हाउ एसोसिएटेड एंड वो जिसे कहते हैं ना स्टिग्मेटाइज हो गया है विद द मैस्कुलिनिटी, वेयर एवर दे सी कि अगर फीमेल जो है वो थोड़ा सा जरा ड्राइव फास्ट कर रही है या थोड़ा सा जो है, तो वो सम हाउ दे मेक इट देयर ईगो प्रॉब्लम एंड सम हाउ दे ओवरटेक करेंगे। तो जब गुड ड्राइविंग की बात आती है तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि इस मोर ऑफ अ सेफ ड्राइव, और जब सेफ ड्राइव की बात आती है तो मेरा ख्याल है फीमेल्स का रेशियो बहुत कम है जो कि ड्राइव जो है एक्चुअली करती है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मोटर बाइक टू चिंगची टू वैगन्स टू दी ट्रक ड्राइवर्स टू दी मोस्टली जो जितने जो हमारे व्हीकल्स हैं वो मेल्स ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहली बात हुई कि रेशियो जो है वो मेल ड्राइविंग की बहुत ज्यादा है, सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली डू द कंपैरिजन इन दैट वे, तो आप कर नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जो थोड़ी बहुत फीमेल्स ड्राइव कर रही है, मोस्टली वो एक सर्टन सेगमेंट है जिसमें कि फीमेल्स पिक एंड ड्रॉप अपने बच्चों को देती हैं, तो दैट्स वेरी अंडरस्टूड फैक्टर है कि दे विल बी ड्राइविंग इन अ मोर सेफर वे। बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि फीमेल्स जो हैं दे आर समहाउ नॉट वेल एजुकेटेड इनफ अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, उनको इतना नहीं पता होता कि कहां पर जो है वो आपने यू टर्न, कहां पर आपने पहले से सिग्नल देना, ये माय लिटिल ऑब्जर्वेशन। ये तो वार्डन से पूछेंगे नाजिया। नहीं, बिलाशुबा जो फीमेल ड्राइवर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं, अगर जो है मर्द हजरात उनको कॉन्फिडेंस दें। हाँ। उनको हरेस ना करें। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि अपना आप तजर्बा देखें ना, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हॉर्न पे हॉर्न, और मेरा ख्याल है आपने कहीं सुने 79% जो है, अगर हम एक्सीडेंट रेशियोज को देखें तो 79% जो है वो मेल मेंबर इन्वॉल्व है। अच्छा। और 21% जो है वो फीमेल है। ठीक है ना, मतलब रेशो तो यही से आपको पता लगेगा। हाँ जी जी, तो ये ठीक है, अब अवेयरनेस आती जा रही है और उनको रूल्स का भी पता है। अच्छा, रूल्स का पता है? पता है यार, क्योंकि हमारे इतने ड्राइविंग स्कूल भी बन गए हैं, और हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का अपना भी ड्राइविंग स्कूल है, 6 तो है टेप्टा के इश्तराक से, और एक हमारा अपना भी है, और एक वुमेन ऑफ ऑन व्हील भी है जहाँ पे मोटर बाइक भी सीखती हैं, बड़ी अवेयरनेस भी आ रही है, जहाँ पे हम कानून जब्ते भी उनको बताते हैं, टेक्निकली भी बताते हैं, तो अवेयरनेस है। देखिए, जब आप कनाल पे चले जाएं, कनाल पे चले जाएं, मेंशन है वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 50 होगी या 60 है, ठीक है ना, जो फीमेल है वो हमेशा 50 या 60 पे जाएंगी, जो मेल मेंबर्स हैं जी 100 पे जा रहे हैं, 120 पे जा रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी ये कोई खातून ही होगी जो गाड़ी सिक्सटी पे, वो एक्सट्रीम राइट पे चल रही है, उनको ये भी पता होना चाहिए दे हैव टू बी इन द मिडल ऑफ द रोड विद दैट स्पीड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कह रही हूँ कि फिर वो एक्सट्रीम राइट पे पूरी पीछे जो है उनको थोड़ा यार देखो ना, अगर वहां पे स्पीड लिमिट जो है 50 है 60 है तो जाहिर है वो फर्स्ट लेन में ही चलेगी ना। ठीक है ना, वो जो ड्राइवर मेल मेंबर्स हैं वो खाम खाई उनको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं कि हम लोग कहीं
निकल जाएं, ये रूल्स हैं। ये थोड़ा अच्छा जा रहे हैं, आपको घूर के जाएंगे क्या आप? पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे अपनी लेन में जाकर। अच्छा पूछ रहे थे आपके सारे पे आएंगे, आपको लगता है कि खवातीन को रूल्स एंड रेगुलेशंस रोड सेंस है इतनी? जी एग्जैक्टली, जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे 6 स्कूल हैं टैप्टा के स्टॉक में, और आजकल मैं इंस्ट्रक्टर हूँ वहाँ पे, फीमेल्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ विद थ्योरी और अवेयरनेस के हवाले से। मैंने 6 बैच पास आउट किए हैं, और जिनमें से मैं ज़रा भी रिलाई नहीं करती कि वो विदाउट सीट बेल्ट ट्रेनिंग भी इवन करें। ठीक है, मिरर्स का यूज़ करती हैं ट्रेनिंग में, हम उनको थ्योरी भी सिखाते हैं जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उनको वेल अवेयर करवाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमने 5 पास आउट किए हैं बैच, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कंपैरेटिवली मेल के जो फीमेल हैं, जब अवेयरनेस लेती हैं तो उसको ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से यूज करती हैं। अब मर्दों की निस्बत तो लिहाजन कह सकते हैं। अभी कॉल्स मैं कहूंगी अपने नीचे पैनल से, प्लीज कॉल्स लें। मैं जानना चाहती हूँ पब्लिक से भी कि मेजोरिटी लोग जो है ये सोचते हैं कि खवातीन अच्छी ड्राइवर्स हैं। अच्छा अभी हम बात करते हैं डॉक्टर भी, क्योंकि हमारे यहाँ रोड सेंस का एक बड़ा मेजर इशू है, हमारे रोड एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह यह है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल अब आकर बहुत हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, अब जो हेलमेट्स के पीछे पड़े हुए हैं तो ये बेहतरीन एक चीज है। लेकिन वही बात कि रोड सेंस होना और फिर एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है उसकी एक बड़ी रीजन होती है। हमारा जो साइकोलॉजिकल एक है ना मसला कि हम एक चीज को जब तक हम पे सर पे कोई सवार नहीं हो जाएगा, डंडा लेके नहीं सवार होंगे तब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अर्मिला यहाँ पर आई वुड लाइक टू एड अप कि मेरी जो स्टडीज हायर स्टडीज रही वो देयर दैट्स ऑन हेड इंजरी बेसिकली, सो फॉर्चुनेटली मैंने इस पे काफी काम किया। एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इन द वेटिंग रूम विद द वार्डन्स एज वेल कि जब हमने हेड इंजरी का स्पेशली जब मैंने इन माय एमफिल स्टडीज वी टुक द डेटा, 1 ईयर डेटा हमने लिया देखने के लिए कि कितनी हेड इंजरीज की क्या रीजन है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑलमोस्ट 70% आउट ऑफ ऑल ऑफ हेड इंजरीज द मेजर रीजन इज द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको हम RTA बोलते हैं। द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ द हेड इंजरीज। एंड वन डायलेमा इज कि जो सबसे ज्यादा था वो 18-35 की जो कैटेगरी थी उसके अंदर Exactly. और उस हेड इंजरीज के साथ जो है उसमें जो सर्वाइवर्स थे वो भी बहुत कम थे, यानी मेजरली जो है जो सवियर हेड इंजरीज होती है उनका सर्वाइवल रेट नहीं है। और फिर जब ऐसी यंग लॉट हमारा 18-35 जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी, और फिर हेड इंजरी सिर्फ हेड इंजरी नहीं होती, हेड इंजरी के साथ एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज होते हैं, आपके फोर लिम्स या हाइंड लिम्स जो है, और अगर आप खुदा ना खासा उसके साथ 6 मंथ्स 1 ईयर या ज्यादा बेड रिडन हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन। मैं इसलिए फिर उन चीजों की तरफ आ रही हूँ, नॉट वन एक फिजिकल वो नहीं है आपका पैथोलॉजी, और अगर वो घर के मेन अर्नर हैं तो फिर उनकी पूरी फैमिली फाइनेंशियली भी इफेक्ट करती है, दे गो इनटू डिप्रेशन। सो दैट्स व्हाई एक इंसान की सेहत से बहुत सारे लोग फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सीट बेल्ट। एंड आई रियली अप्रिशिएट द ट्रैफिक वार्डन्स, जब भी मोटरवेज और आप रिंग रोड्स पे चढ़े वो आपको डेफिनेटली चेक करते हैं कि आपने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है। और हेलमेट्स का मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि खुदारा इसको मत ऐसा लीजिए कि जैसे आपके सर पे डंडा है, दिस इज फॉर योर सेफ्टी। एग्जैक्टली। अच्छा वो उस दिन हमारे पास सीटियो भी आया एंड ही वाज लाइक कि हमें लोग क्यों गालियां दे रहे हैं कि हम उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें कर रहे हैं। मतलब दिस इज योर प्रॉब्लम कि आपकी सेहत या आप रोड पर निकल रहे हैं, आप खुद सेफ हो, किसी को सेफ नहीं कर रहा आप। एग्जैक्टली। आप अगर रैश ड्राइविंग करेंगे आप अपने अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। तो ये जो मामला है नाजिया, अभी जिस तरह से डॉक्टर अमरीन भी कह रही थी कि हमारे यहाँ लोगों में ये डायलेमा है हमारी सोसाइटी का कि हमने जल्दी से चीजें अडैप्ट नहीं करती जब तक हमारे सर पे लेकर डंडा नहीं खड़ा हो। बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसे 100% एग्री करती हूँ। देखिए अब जैसे कि कैंपेन्स चल रही हैं, रोजाना हम लोग बच्चों के साथ भी अवेयरनेस दे रही होती हैं। आजकल जो है लाइन लेन वायलेशंस के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, तकरीबन मंडे से ये शुरू है, और जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों जो है हेलमेट के बारे में जो है कितनी इन्होंने जबरदस्त इन्होंने कहा कि आपने हेलमेट पहनना है, इसके बगैर अपने माल पे नहीं आना, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है यार। जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो हम सेफ होंगे यार। अगर हम एक मोटरसाइकिल परचेज कर लेते हैं तो क्या हम 1000-2000 का हेलमेट नहीं ले सकते? लोग समझते ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंदर से ठीक होना है। ठीक है, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि ये हमें फोर्स कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। देखें जी, CTO साहब अक्सर ये बात करते होते हैं। एक हमने लास्ट वीक में एक कंपेन की, तो एक हमने आदमी को पकड़ा, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जी मैं पहन लूँगा। उन्होंने कहा कि अगर देखो अगर तुम मर जाओ, ठीक है,
किसको नुकसान होगा? तुम्हारी बीवी exactly. बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, मेरे तो नहीं ना होंगे, तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग करते नहीं यार exactly. अजीब से छोटे-छोटे जब तक डंडा ना हो हम लोग कुछ नहीं करते. इवन इवन के लोगों का मैम एटीट्यूड ये देखें कि उन्होंने वो जो लोहे वाले जो आगे पहनते हैं उन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए कि देखा तो मजाक उड़ाने के लिए कि पहन लिया. लेकिन रोड में यहाँ पे कहना चाहूंगी कि रोड किसी का नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि ये सहाफी है, वो नहीं देखेगा ये लॉयर है, वो नहीं देखेगा ये पुलिस है, वो नहीं देखेगा कि ये डॉक्टर है. ठीक है, तो वो जब हम उस चीज का उस हिस्सा बन जाते हैं रोड का, तो वो किसी वक्त भी मिसहैप हो सकता है, किसी exactly. वक्त भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी निस्बत से हमें खुद को चोट आ सकती अच्छा, है. अच्छा, मैं जानना चाहूंगी जो स्कूल में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, वहाँ पर लोगों को इस तरफ भी आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके लोगों को पता हो कि रोड सेंस क्या है, आपने अपनी हिफाजत अपनी सेफ्टी को बेसिकली हमारा जो है उनके साथ. वैसे तो वो और भी वो हायर कर सकते थे किसी अथॉरिटी को उनको ट्रेन करवाने के लिए. CTPL के स्टाफ को उन्होंने इसीलिए अपने साथ मर्ज किया कि दे नो हाउ अबाउट रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, अवेयरनेस क्या है. हमने वो एक है ट्रेन ड्राइवर, सेफ रोड ट्रेन ड्राइवर, ये हमारी उसका मोनो है. सेफ रोड, सेफ ट्रेन ड्राइवर, सेफ रोड. अच्छा ठीक है, इसके बेस पे हम वो काम कर रहे हैं. और बेसिकली मैं जो है वो पर्पस हमारा यही है कि हम उनको अवेयरनेस ही दे रहे हैं किसके बारे में थ्योरी पढ़ा रहे हैं. इवन कि हम मैकेनिकली भी पढ़ाते हैं exactly. मैं फीमेल को मैकेनिकल का बताती हूँ कि अगर इन केस आप बाहर निकल आए हो तो फिर जी आप बैसाखी ना बने. अगर आप बाहर निकल आए हैं तो फिर आप अपने छोटे मोटे जो जिस तरह से फर्स्ट एड देना कहते हैं डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जो फर्स्ट एड देते हैं. तो अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है या हीट अप हो गई है तो एटलीस्ट हाउ नाउ इतनी होनी चाहिए कि वाई वो हीट अप क्यों हुई है. ये वैसे बड़ी बेहतरीन पॉइंट है क्योंकि हमारे नॉर्मली मैंने अक्सर कैनाल पे क्योंकि वहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक नहीं मिलता. मैंने खवातीन को देखा है बेचारी फोन में ला रही जी जी पैनिक हो जाती है, पता ही नहीं चलता ना, मुश्किल हो जाते हैं. और यहाँ पे सिर्फ मैम यहाँ तक नहीं वो बात रुकी, आगे उनको टायर चेंज करवाना सिखाते हैं कि इन केस आप किसी ऐसा एरिया में लगी थी, आप किसी ऐसा एरिया में जहाँ पे आपको कोई किसी की हेल्प नहीं है कुछ तो आप किस तरह से अपने आप को, आप देखिए आप ड्राइवर है, आप उस टाइम ये नहीं है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, एट दैट टाइम आप क्या हो ड्राइवर. और ड्राइवर को अपनी गाड़ी के बारे में जैसे हमें मोबाइल के बारे में तमाम फंक्शंस का पता है, इसी तरह से हमें गाड़ी के बारे में जब हम चला रहे हैं तमाम चीजें. जब हम एक ड्राइवर है उन्हें फर्स्ट एड देखिए, मैकेनिक बनाना हमारा मकसद नहीं है, जस्ट उन्हें फर्स्ट एड देनी है वो थोड़ा सा मैकेनिक के पास लेके जा सके. ठीक है, तो उनको इस तरीके से ट्रेन करो और अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन विजिट कि आप देखेंगे कि उस उन औरतों में जस्ट ना सिर्फ ये शौहरत दे रहे हैं बल्कि उन्हें ग्रूम भी कर रहे हैं. तो यही चीज जो मेल्स के ट्रेनिंग सेंटर जी जी हमारे साथ मेल और फीमेल दोनों के ही. लेकिन मैम मेरा सिर्फ ये कि हमारे यहाँ ज्यादातर लाइसेंस जो है वो सिर्फ हासिल कर लिए जाते हैं, वो एक्चुअली अब क्राइटेरिया मेरे ख्याल से डॉक्टर अमरीन उस दिन सीटीओ भी है, वो कह रहे हैं कि क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट जी बहुत डिफरेंट. खुद अब आप विजिट करें, अब देखें हमारे जो ड्राइविंग सेंटर है आप विजिट करें, वहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है. आप देखें पूरा एक मेरिट के मुताबिक आपको लाइसेंस मिलता है. अब आप विजिट करें, ये मैं आपको कहती हूँ, आप भी बल्कि अपनी टीम के साथ आए वहाँ पे और देखें आप अप्रिशिएट करेंगे हम लोगों को. लवली डॉक्टर बहुत अच्छा. अभी जिस तरह से हम सब बात कर रहे थे कि खवातीन रोड्स पर निकलती हैं, एक कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, कुछ एक साइकोलॉजिकल हमारा इम्पैक्ट भी है कि अच्छा ये खातून चला रही है उसको जरा कंफ्यूज किया जाए, कोई ओवरटेक करेगा, जो कोई डिप मारेगा, कोई कुछ करेगा. तो वो जो एक साइकोलॉजिकल हमारी एक प्रॉब्लम है ना कि हमने खातून को देखकर फौरन से ही हमने उसको डिस्करेज करने सोचा. अगर इवन अब मैंने ये एक अच्छा जेस्चर देखा था कि जब पिंक रिक्शाज और ये सब तो लोग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो गाड़ी वाली लड़की है या खातून है ना उसको हमेशा लोगों ने किसी ना किसी तरह कॉन्फिडेंस शेक करने का सोचा होता है. अच्छा, इसमें डिस्करेज और ज्यादा जो है वो फन एलिमेंट होता है, दे जस्ट ट्राई टू मेक फन आउट ऑफ इट. उनके लिए ये थ्रिलिंग होता है, स्पेशली अगर आप यंगस्टर्स के लिए देखें ना तो उनके लिए बड़ा ये थ्रिलिंग होता है कि वो किसी को डिपर दे के, लाइट्स दे के, या जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूसली करें. अच्छा, इसमें मैंने बड़ी पर्सनली मजे की चीज की है कि लेट्स से अगर कहीं सिग्नल ऑरेंज हो गया और मुझे पता है मुझे रुकना है और पीछे से डिपर पड़े निकलो, तो मैं रुक के तो बकायदा हाथ अब निकाल के मैं कह देती हूँ भाई ऊपर से चले जाओ. सो यहाँ पर आपने जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी मैम ने बात की कि उनके अंदर जो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उस टाइम दे आर जस्ट ड्राइवर्स, दे आर नॉट मेल्स एंड फीमेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हमें उस टाइम ड्राइवर्स हैं, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट. बट अगेन विद ड्यू अपोलॉजी, एक सर्टन मिथ्स हैं, जैसे कि क्लास के अंदर आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, तो समटाइम्स
स्टूडेंट्स से कि मैम वो फीमेल ड्राइवर आप वैसी तो नहीं जो ऊपर स्टेयरिंग के चढ़कर वो बकायदा इस तरह से ड्राइव कर रही होती है, तो वो उनका एक जनरल मिथ बन गया। अच्छा आई स्टार्टेड ड्राइविंग सिंस लॉन्ग ना, तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा रिलैक्स्ड होके और जरा, तो वंस माई स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड मी समवेयर कि मैम यू वर ड्राइविंग लाइक मैन, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय लाइक मैन, तो आप बड़ी कंफर्टेबली ड्राइव कर रही थी और आप ऐसे पास से जो थे वो गुजर गई और हमें कहीं नहीं लगा कि जो है वो, सो दिस इज द, ये हमारे मिथ्स बन चुके हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेशियो इतनी कम है एंड आई वुड लाइक यू कि जहां आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां पे साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करें जो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत शुक्रिया कि आप तीनों हमारे साथ मौजूद थी, इतनी मजेदार इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की जनाब, हमारे पास इतना मजे का टॉपिक था और इस पर बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं जनाब, ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि खवातीन जो है वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती, सब बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बस आप रोड सेंस अपना ख्याल रखें, सेफ ड्राइविंग करें, आप खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें, सबसे बढ़कर यही है। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी कल, हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जागो लाहौर के नाम से पेज है और इनके सभी का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।